ई कॉमर्स फैसिलिटीज क्या होती है? ई कॉमर्स में अगर आप डीलिंग कर रहे हैं, मीन्स आप या तो सप्लायर हैं या फिर ऑपरेटर हैं या फिर किसी ना किसी तरह से आप ई कॉमर्स से रिलेटेड हैं, तो जीएसटी में उसका क्या रोल है, जीएसटी में क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको ई कॉमर्स में बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं रंजन आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है टैक्स फॉर वेल्थ। हमारे साथ आज हैं जीएसटी के माने जाने एक्सपर्ट सीए राजेंद्र अरोरा सर, जो कि हमें ये बताएंगे कि ई कॉमर्स में क्या क्या चीजें आपको ध्यान में देने वाली बातें हैं अगर आप एज अ सप्लायर रजिस्टर कराते हैं या फिर आप एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर रजिस्टर कराते हैं। तो सर, मैं पहले तो आपका बहुत वेलकम करना चाहूंगा। थैंक यू रंजन जी। जी, और मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा सर कि ई कॉमर्स बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? दोस्तों, ई कॉमर्स जो है वो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कानून में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन ओवर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, मतलब ऑनलाइन डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर अगर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई होती है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहते हैं। और जो इसको करता है, जो इस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को ओन करता है, मैनेज करता है या ऑपरेट करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। शॉर्ट में उसको इको कहेंगे। इको मींस अगर आप किसी भी तरह से डिजिटली अगर कनेक्टेड हैं, उस पर मैनेज कर रहे हैं या फिर ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको इको बोला जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। सर, इसमें क्या सप्लायर भी हो सकते हैं जो इनसे डीलिंग करते हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करता है, ओन करता है, मैनेज करता है, लेकिन उसके ऊपर जो है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे सर्विसेज और गुड्स के सप्लायर्स होते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर नाम लें तो अमेजोन का नाम लें, फ्लिपकार्ट का नाम लें, तो यहाँ पर बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के सप्लायर्स हैं जो कि उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। बेसिकली ये तीन तरीके के से हो सकता है। एक तो बिजनेस टू कंज्यूमर, जैसे कि आप, हम अमेजोन की बात करते हैं तो बिजनेस, वहां पर बिजनेस वाले सप्लायर रजिस्टर्ड और कंज्यूमर्स को माल बेच रहे हैं। एक बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कि सुलेखा.com है या इंडियामार्ट.com है, ये सब बिजनेस टू बिजनेस है, बिजनेस वाले रजिस्टर्ड है, बिजनेस वाले ही वहां से उसको प्रोक्योर करते हैं उनकी सर्विसेज को। एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर है, जैसे OLX है, सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेचता है, क्यूकर है, ये सब कंज्यूमर्स ही डाटा क्रिएट करते हैं और कंज्यूमर्स ही वहां से उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे तरीके हैं ई कॉमर्स के, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के, और इसको जो ओन करता है, मैनेज करता है, ऑपरेट करता है, उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कहते हैं। और इसके थ्रू जो सप्लाई कहता है उसे सप्लायर कह सकते हैं, मींस डायरेक्टली कंज्यूमर की अगर हम बात करें कि आपका क्या इसमें रोल हो सकता है, तो रेगुलरली अभी अगर सर इंडिया में देखें तो बहुत ही ट्रेंड में है पिछले कुछ सालों से ई कॉमर्स, जिसमें फ्लिपकार्ट आपका हो गया, अमेजोन हो गया, आपने सुलेखा की बात की है बिजनेस टू बिजनेस में जिसका बहुत रोल है। तो अगर छोटे रिटेलर्स भी हैं जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से यूज करके प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं, उसके बाद फिर उसको लोकल सेल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो सारी चीजें भी ई कॉमर्स में ध्यान देने वाली बातें हैं। ये तो था एक नॉर्मल इंट्रो। इसके बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर इन केस सपोज मैं अगर रजिस्ट्रेशन कराने जाता हूं ई कॉमर्स ऑपरेटर में या फिर सप्लायर में, यहां दो कॉन्सेप्ट है, दोनों कॉन्सेप्ट हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। देखिए, रजिस्ट्रेशन जब हम बात करते हैं जीएसटी में, तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन है और उसके ऊपर जो सप्लायर काम कर रहे हैं उनके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसको कंपलसरी सेक्शन 24 सबसेक्शन 10 में रजिस्ट्रेशन करवाना है, ताकि वो उसको थ्रेशोल्ड का कोई फैसिलिटी नहीं है, जैसे ही वो ओन ऑपरेट और मैनेज करेगा उस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। एक एग्जेम्पशन दी गई है, अगर आप अपने खुद के प्रोडक्ट्स अपने खुद की वेबसाइट के थ्रू बेचते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर नहीं बनते हैं, आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन कंपलसरीली नहीं कराना, आपको सेक्शन 22 की थ्रेशोल्ड 40 लाख रुपए गुड्स में और 20 लाख रुपए सर्विसेज में आपको मिलती रहेगी। दूसरा सिचुएशन है सप्लायर के लिए। वैसे एक और ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए एक और मैं आपको बात बताना चाहूंगा यहां पर, कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है और आपके सारे भारत में टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है, एक वर्ड है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, सारे भारत में आपका बिजनेस हो रहा है तो आपको रजिस्ट्रेशन क्या सारे भारत में लेना है, तो उसको एक फैसिलिटी दे गई ई कॉमर्स ऑपरेटर को कि भाई आप जहां भी आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है आप वो डिक्लेयर कीजिए, फॉर एग्जांपल दिल्ली है, आप वहीं पर रजिस्ट्रेशन ले लीजिए और सारे भारत में आप उसको बिजनेस को ऑपरेट
कर सकते हैं। दूसरा सेगमेंट जो है वो सप्लायर के रजिस्ट्रेशन का है, जो सप्लायर जो गुड्स और सर्विसेज उस ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर बेचेंगे उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है सेक्शन 24 सबसेक्शन 9 सब क्लॉज 9 में। लेकिन 20 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड जो है सर्विसेज के केस में अवेलेबल है, गुड्स के केस में कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू एमेजॉन फ्लिपकार्ट एक्स वाई जी जो भी है उसके थ्रू अगर आप अपने गुड्स बेचते हैं तो आपको एक रुपए के ऊपर भी रजिस्ट्रेशन लेना है, सर्विसेज देते हैं तो 20 लाख का थ्रेशोल्ड आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल होगा। मीन्स अगर आप एज अ सप्लायर ही रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आज अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और आगे आने वाले सालों में मीन्स जब मेरा टर्नओवर थोड़ा सा एक्सीड हो जाए तो मैं जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लूं, तो वो आपको कभी नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं। हाँ, काउंसिल बोलता है कि सीधे सीधे पहले दिन से ही आप मीन्स एट रुपी वन से ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा, उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है जैसा कि सर ने हमें बताया। और सर्विसेज के लिए आपको एक एग्जेम्पशन मिल जाती है जो कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट फॉलो करके ही आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। जी सर, ये तो रजिस्ट्रेशन की बात हो गई, इसका प्रोसीजर हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी प्रोसीजर हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सर, इसमें टैक्स कलेक्शन कैसे हो सकता है? अभी आपने एक वर्ड यूज किया था टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, तो उसको बिल्कुल ही नॉर्मल लैंग्वेज में आप इन्हें कैसे समझते हैं? ई कॉमर्स ऑपरेटर को एक लायबिलिटी बांधी है कि जितने भी सप्लायर उसके ऊपर रजिस्टर्ड होंगे बिजनेस करेंगे उसको टैक्स कलेक्ट करना है एट सोर्स, टीसीएस कहते हैं अंडर सेक्शन 52 ऑफ द एक्ट। उसको नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज के ऊपर 1% टैक्स कलेक्ट करना है। मान लीजिए एक एक्स बंदा उसके पास रजिस्टर्ड है, गुड्स की सप्लाई कर रहा है जी। जनवरी मंथ में 20 लाख रुपए का टोटल सप्लाई किया उसने, 20 लाख रुपए का सप्लाई किया और 3 लाख रुपए का वापस आ गया तो 17 लाख रुपए का सप्लाई हुआ। उस 17 लाख रुपए के ऊपर 1% टीसीएस। अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो आईजीएसटी 1%, अगर इंटरेस्टेड सप्लाई है तो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, उसको टीसीएस काटना पड़ेगा उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को। मान लीजिए 17,000 रुपए टोटल आ गया, वो 17,000 रुपए वो जो जमा कराने हैं उसको अगले महीने मतलब फरवरी 10 तक उसको जमा कराने हैं। वो टैक्स जो जमा टैक्स कलेक्शन एट सोर्स है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर को कैश में पे करना है, वो अपने एग्जिस्टिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट नहीं कर सकता। जो भी वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स जमा कराएगा वो जो सप्लायर है जिसका वो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हुआ है उस सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नजर आएगा। वो सप्लायर उस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स को जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में नजर आ रहा है उसको एज इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर सकता है या एज रिफंड भी वो ले सकता है। ये पूरी कहानी है जी टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की। ये थी थोड़ी समरी आपके टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की। इसको मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई करना चाहूंगा आपको कि मींस अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के पास पहले से इनपुट टैक्स क्रेडिट है, मींस कुछ इनपुट में है, उसके थ्रू अगर आप चाहते हैं टीसीएस जमा कराना तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको कैश में ही जितना आपने कलेक्शन किया है उस कलेक्शन को कैश में ही जमा कराना पड़ेगा जीएसटी पोर्टल पे। और जो सप्लायर है मतलब मीन्स जहां से कलेक्ट किया गया है टैक्स उस चीजों पे उनको कैश लेजर में शो हो जाएगा और वो भी चाहे तो उसको यूज कर ले अपने ड्यूज के लिए, नहीं तो फिर वो रिफंड ले सकते हैं उसका। सर, इसकी कोई लिमिट है कि आप कितने दिनों के अंदर जमा करा देना होगा? 10 दिन के अंदर मैंने बताया कि आज जैसे जनवरी में टैक्स कलेक्ट करेंगे तो फरवरी 10 तक आपको टैक्स कलेक्शन जो है वो जमा करानी है डिपार्टमेंट। ओके सर, एक और पॉइंट इसमें छोटा सा रहता है कि क्या टैक्स मीन सप्लायर के लिए या ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है? अवेलेबल नहीं है जी कंपोजिशन स्कीम की फैसिलिटी ना तो सप्लायर के लिए ना ही ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। और अगर आपको इंटर स्टेट इंट्रा स्टेट ये बाकी जितनी भी चीजें मतलब मींस जो छोटे छोटे इसमें और वर्ड है जीएसटी से रिलेटेड कई सारी चीजें हैं वो सारी वीडियोस आपको देखनी है तो सेम यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है आपको सारी वीडियोस है। सर की भी काफी वीडियोस है, अभी जितने नए जीएसटी फॉर्म्स आए हैं उसमें भी सर ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। बजट पे आप वीडियोस देखना चाहें तो बजट पे भी सर की वीडियोस है। तो ये थी आज छोटी सी बात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से रिलेटेड। सर, आई थिंक सारे ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। हाँ, इसके बाद का प्रोसीजर क्या हो सकता है, कैसे आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फॉर्म क्या होगा, वो एक अलग डिस्कशन होगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहें ई कॉमर्स ऑपरेटर से तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं पर्सनली उसका जवाब देता हूँ हमेशा। जी बिल्कुल, ये आप चाहें तो प्रीवियस रिकॉर्ड हमारा चेक कर सकते हैं। सर के वीडियोज जरूर आप देखें, सर के वीडियोज आप पहले देख सकते हैं कि क्या
क्या उन्होंने कैसे कमेंट्स आए थे, क्या क्या क्वेरीज हुई थी, और वो सारी डिटेल्स आपको सेम यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो टैक्स फॉर वेल्थ है वो एंड्रॉयड टीवी पे, एप्पल टीवी पे और अब जियो टीवी पे भी अवेलेबल हो चुका है। हम अमेजॉन फायर टीवी पे भी अवेलेबल हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, ट्विटर,